बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 213 और हम कर रहे हैं आपका जियोग्राफी में चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हमने लास्ट लेक्चर में रेलवेज डिस्कस किया था, रेलवेज पे हमने एंड किया था। आज हम पाइपलाइंस, जो कि एक और लाइफलाइन है हमारी नेशनल इकोनॉमी की, पाइपलाइंस डिस्कस करेंगे। पाइपलाइन क्या है? सो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में जो पाइपलाइन है वो नया अराइवल है। मतलब पहले पाइपलाइंस एज अ ट्रांसपोर्ट नहीं यूज किया जाता था, अब ज्यादा यूज करते हैं। ये जो पाइपलाइंस होते थे पहले, ये सिर्फ वाटर पहुंचाने के काम में आते थे, पर अब ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। पाइपलाइंस आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफिनरीज, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट। सो ये जो पाइपलाइंस है ये यूज होते हैं क्या ट्रांसपोर्ट करने में? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस कहाँ से? फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स, ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड्स से, टू रेफिनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। जो सॉलिड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पाइपलाइन से, जब उसको स्लरी में कन्वर्ट किया जाता है। स्लरी क्या होता है? स्लरी का मतलब भाई किसी सॉलिड को लिक्विड में, थिक लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। सो सॉलिड्स भी पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रेफिनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। पाइपलाइंस की वजह से ही जो दूर दराज के इलाकों में जो रेफिनरीज बनी है, जैसे कि बरौनी में, मथुरा में, पानीपत में, तो ये पाइपलाइंस की वजह से ही सोचा जा सका है। पाइपलाइंस को लगाने में शुरुआती खर्च बहुत ज्यादा होता है, पर आगे जाके इसका खर्च बहुत कम होता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा खास नहीं लगता है। और दूसरी चीज, इसका दूसरा फायदा है कि भाई ट्रांसशिपमेंट होती है उससे भी बचाता है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब, ट्रांसशिपमेंट मतलब जब आप रेगुलर बेसिस पे कोई चीज ट्रांसपोर्ट कराते हो तो कैसे कराते हो? आप पाइपलाइंस नहीं करते हो। तो भाई जैसे कि भाई शिप में गया, फिर शिप से ट्रक में गया, फिर ट्रक से कार्गो में गया, ऐसा सब होता है। सो ट्रांसशिपमेंट से बचाता है। ट्रांसशिपमेंट में देखो, चीज एक चीज पहुंचनी है और एक चीज को वाया वाया दो तीन जगह से होके पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है कि लॉस होगा, नुकसान होगा, क्योंकि आपको हर जगह पैसे देने पड़ेंगे उस ट्रांसपोर्ट के लिए। लेट भी होगा क्योंकि कोई ट्रांसपोर्ट जल्दी, कोई ट्रांसपोर्ट देर से। सो ये इन सब चीजों से पाइपलाइन बचाती है। सो एडवांटेजेस कोई पूछे आपसे पाइपलाइंस के, सो इनिशियल कॉस्ट ऑफ, पहला एडवांटेज यही है कि भाई इसके जो रनिंग कॉस्ट है वो मिनिमल है, भाई चलाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह माल सामान पहुंचने का जो नुकसान वगैरह होता है उससे भी पाइपलाइन बचाता है। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। हमारी कंट्री में तीन इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स हैं पाइपलाइन के, ठीक है, थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स। सो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट नेटवर्क है पाइप ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि हमारी इंडिया में है। पहला है फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन अपर असम टू कानपुर, मतलब आसाम से लेके कानपुर तक जो ऑयल फील्ड की पाइपलाइन चलती है। सो कहाँ कहाँ से? आसाम से कानपुर के बीच में क्या क्या आता है? गुवाहाटी आता है, बरौनी आता है, अलाहाबाद आता है, ठीक है। सो फ्रॉम ऑयल फील्ड्स इन अपर असम टू कानपुर, सो असम से लेके कानपुर के बीच में क्या क्या आता है, ये सब आता है, ठीक है। इट हैज ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मौड़ीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। सो कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस हैं? बरौनी से हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मौड़ीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, ठीक है। सो कहाँ कहाँ से हैं? अपर आसाम से कानपुर, उत्तर प्रदेश, क्या वाया
गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, फिर बरौनी टू हल्दिया, उसके ब्रांचेस हैं वाया राजबंद, राजबंद टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। सो आसाम से लेके कानपुर तक इन सब यहाँ सबसे होती हुई आती है पाइपलाइन, ठीक है, आसाम से लेके कानपुर तक वाया गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, फिर बरौनी से हल्दिया, इट हैज ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मौरीग्राम एंड मतलब ब्रांचेस भी हैं बरौनी से हल्दिया के बीच में ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। सो आसाम से लेके कानपुर तक ये फर्स्ट ऑयल फील्ड हुई, ठीक है। अब सेकेंड ऑयल फील्ड है आपकी पेज नंबर 87 पे, फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, ठीक है, गुजरात के सलाया से पंजाब के जालंधर तक कहाँ कहाँ से ये पाइपलाइन होके जाती है, विरमगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। इट हैज ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर वडोदरा, गुजरात, चक्षु एंड अदर प्लेसेस। तो किस किस को कनेक्ट करता है, मतलब कोयली कहाँ पे है, कोयली वडोदरा गुजरात में, चक्षु और अदर प्लेसेस, तो इन सबको कनेक्ट करती हुई ये पाइपलाइन जाती कहाँ से कहाँ, गुजरात से लेके पंजाब जाती है, और रूट क्या है, विरमगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, और ब्रांचेस कहाँ है, इट हैज ब्रांचेस टू कनेक्ट, सो बीच में क्या क्या कनेक्ट करता है, कोयली, चक्षु और बाकी प्लेसेस, ठीक है। तो इसके ब्रांचेस हैं कोयली नियर वडोदरा गुजरात, चक्षु एंड अदर प्लेसेस, किसके कौन सी, सलायन गुजरात से जालंधर इन पंजाब वाली पाइपलाइन के। तीसरी हमारी है गैस पाइपलाइन है, ये गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम हजीरा इन गुजरात, गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया बीजापुर इन मध्य प्रदेश। सो जो ये गैस पाइपलाइन है जो कि गुजरात के हजीरा से चलती है, गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात, गुजरात के हजीरा से चलती है, किसको कनेक्ट करती है, उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर को वाया बीजापुर इन मध्य प्रदेश। गैस पाइपलाइन है जो कि गुजरात के हजीरा से चलती है, किसको कनेक्ट करती है, उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को वाया बीजापुर इन मध्य प्रदेश। इट हैज ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, शाहजहांपुर, बाबरला एंड अदर प्लेसेस इन यूपी। सो यहाँ इसकी ब्रांचेस भी हैं, चलती कहाँ से है, हजीरा इन गुजरात, और किस किस को कनेक्ट करती है, जगदीशपुर इन यूपी वाया बीजापुर इन एमपी, ठीक है। वाटरवेज अब देखो नेक्स्ट है हमारा। सो ये तीन पाइपलाइंस आपको याद रखनी है, दो पाइपलाइंस हैं और तीसरी है गैस पाइपलाइन है, ठीक है, हजीरा इन गुजरात से, ठीक है, कनेक्ट जगदीशपुर इन यूपी, गुजरात को यूपी से कनेक्ट करती है। फिर वाटरवेज पढ़ेंगे अब नेक्स्ट, हमारा जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है दैट इज वाटरवेज, ठीक है। इसमें पाइपलाइंस में आपको ये तीन पाइपलाइंस याद रखनी है। वाटरवेज क्या है, वाटरवेज सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप बहुत पुराने समय की बात करो, सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब आपको याद भी ना हो इतने पुराने समय की बात करो। इंडिया जो है वो एक मतलब समुद्री देश था, सी फेयरिंग कंट्री था, और हमारे जो सीमैन थे वो दूर दूर तक जाते थे तैरते हुए, और हमारे जो इंडियन कॉमर्स है, इंडियन कल्चर है, उन्होंने फैलाया हमारे सेलर्स ने। वाटरवेज हमारे जो हैं वो सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, सबसे सस्ता, और ये जो वाटरवेज है ये सूटेबल है भारी भरकम सामान के लिए, फ्यूल इफिशियंट है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, इट इज़ अ फ्यूल इफिशियंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। तो इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, जब शिप्स वगैरह कैना शिप्स शिप्स का जब कैनाल्स, रिवर्स वगैरह पे चलती हैं, सोने खा जाता है, इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज।
सो इंडिया का जो इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज है उसकी लेंथ है 14,500 किलोमीटर, और इसमें से 5,685 किलोमीटर वो जो मैकेनाइज्ड वेसल्स हैं वो ओनली आउट ऑफ दिस 5,685 आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स, मतलब जो मैकेनाइज्ड वेसल्स होते हैं वो चलते हैं इसमें से आधे 5,000 में वेसल्स चलते हैं। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवेज बाय द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट द्वारा कौन से वाटरवेज नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर करे गए हैं? सो द गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया 1620 किलोमीटर नेशनल वाटरवे नंबर वन। गंगा रिवर जो कि अलाहाबाद से हल्दिया तक चलती है उसे नेशनल वाटरवे नंबर वन डिक्लेयर किया गया है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो कि सादिया से डुबरी तक चलती है उसे नेशनल वाटरवे नंबर टू डिक्लेयर किया गया है। द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, कोटापुरमा कोलम उद्योग मंडल एंड चंपाकर कैनाल उसे नेशनल वाटरवे नंबर थ्री घोषित करा गया है। इसके बाद गोदावरी कृष्णा रिवर्स काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स उसे नेशनल वाटरवे फोर। सो सबसे पहला वाटरवे है गंगा रिवर, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला में, और फिर हमारा जो चौथा है नेशनल वाटरवे फोर है वो है गोदावरी और कृष्णा रिवर्स काकीनाडा पुडुचेरी और के समेत। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्माणी अलोंग विद मताई रिवर, रिवर ब्रह्माणी मताई रिवर के साथ चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्रह्माणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल नेशनल वाटरवे फाइव। सो नेशनल वाटरवे फाइव क्या है? ब्रह्माणी मताई रिवर महानदी ब्रह्माणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल। सो ये पांच वाटरवेज हैं जो कि जो गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर करी गई हैं नेशनल वाटरवेज। देयर आर सम इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस, और सब्सटेंशियल मतलब ज़्यादा अमाउंट में जिसमें इनलैंड वाटरवेज देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। सब्सटेंशियल मतलब ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन होती है। कौन कौन से हैं ऐसे इनलैंड वाटरवेज? सो मांडवी है, ज्वारी है और क्यूम्बरजुआ है। सुंदरबंस, बराक, बैक वाटर्स ऑफ केरला एंड टाइडल स्ट्रेचेस ऑफ सम अदर रिवर्स। तो इन सब पे ट्रांसपोर्टेशन होता है इनलैंड वाटरवेज। मांडवी, ज्वारी, क्यूम्बरजुआ, सुंदरबंस, बराक, बैक वाटर्स ऑफ केरला, टाइडल स्ट्रेचेस ऑफ सम अदर रिवर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया ट्रेड विथ फॉरेन कंट्रीज कैरिड फ्रॉम द पोर्ट्स लोकेटेड अलॉन्ग द कोस्ट। 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम इज मूव्ड बाय सी। सो कंट्री का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो सी द्वारा चलाया जाता है जो फॉरेन कंट्रीज है उनके लिए, तो 95% सी से ही होता है। जो मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं हमारे? सो हमारी जो कोस्ट लाइन है, जो लेंथ है हमारी, जो कोस्ट लाइन की कोस्ट की लेंथ है वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, सो इतनी हमारी कोस्ट लाइन है। सो इंडिया के पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 187 माइनर या इंटरमीडिएट छोटे मोटे या बीच के, बड़े पोर्ट्स 12 हैं और 12 बड़े पॉट्स हैं और 187 ऐसे ही हैं छोटे और ऐसे बड़ी साइज के नहीं। दीज मेजर पॉट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। सो ये जो पॉट्स हैं, ठीक है, ये जो बड़े बड़े पॉट्स हैं, जो 12 मेजर पॉट्स हैं, उसी से ही इंडिया का 95% फॉरेन ट्रेड हैंडल होता है। ठीक है, सो इंडिया के पास 12 मेजर पॉट्स हैं और 187 छोटे हैं। कंडला इन कच्छ वॉज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती थी, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिप्स वगैरह आती थी। सो उसको कम करने के लिए कच्छ में कंडला पोर्ट में कच्छ में कंडला पोर्ट को डेवलप किया गया। ठीक है, सो कंडला इन कच्छ डेवलप किया गया इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तुरंत इंडिपेंडेंस के बाद
ताकि मुंबई पोर्ट से थोड़ी सी भीड़ कम करी जा सके इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। और ऐसा भी हुआ था कि पार्टीशन में जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान में चला गया था, मतलब जो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, सो ये जो कराची पोर्ट चला गया था पाकिस्तान पार्टीशन में, कराची पाकिस्तान में हो गया था। सो कंडला एक मतलब कंडला को डेवलप करा गया। कंडला इज अ टाइडल पोर्ट, इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, हाईली प्रोटेक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहाँ से कहाँ तक ये पोर्ट, मतलब कहाँ से सामान कहाँ तक, सो अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। सो इन सब जो यहाँ तक ये पोर्ट फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। मुंबई जो है सबसे बड़ा पोस्ट पोर्ट है विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, मतलब शिप्स एकदम अच्छे से हैं और बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वॉज प्लान्ड विद अ व्यू टू डिकंजेस्ट मुंबई एंड सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीजन। यहीं पे मुंबई में ही जो मुंबई का पोर्ट है उसकी जो भीड़ है और कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्लान किया गया था, ठीक है। फिर मर्मा गोवा पोर्ट है जो कि है गोवा में, इज द प्रीमियर आयन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। सो मर्मा गोवा गोवा में आयन एक्सपोर्ट करता है पूरे देश में। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयन और एक्सपोर्ट। फिर जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है, मैंगलोर में नया पोर्ट बना जो कि कर्नाटक में है, वो आयन और को जो है आयन और का एक्सपोर्ट करता है, कहाँ से, कुंद्रेमुख माइन से। फिर कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट, सबसे वेस्ट में और सबसे साउथ में कोची आया, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लागून विद अ नेचुरल हार्बर। सो लागून का मतलब क्या होता है, लेक होता है, सॉल्ट वाटर लेक, और इसके पास कोची में मतलब नेचुरल हार्बर भी है। नेचुरल हार्बर मतलब जहाँ पे शिप्स रखी जाती है नेचुरली, वो जगह भी है। सो कहाँ है कोची पोर्ट, कहाँ लोकेटेड है, इस एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड कहाँ लोकेटेड है, एक लगून के एंट्रेंस पे। लगून का मतलब क्या होता है, फिर से सॉल्ट वाटर लेक, और उस वहाँ पे सॉल्ट वाटर लेक में एक नेचुरल हार्बर भी है, मतलब जहाँ पे शिप्स आराम से शेल्टर ले सकती हैं। अगर आप ईस्ट कोस्ट की तरफ जाओ, मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ ट्यूटिकॉरिन। सो ये ईस्ट कोस्ट की तरफ, ठीक है, अगर आप ईस्ट कोस्ट की तरफ जाओ सो आपको क्या दिखेगा, ट्यूटिकॉरिन दिखेगा तमिलनाडु में। दिस पोर्ट हैज़ अ नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड, इस पोर्ट को भी नेचुरल हार्बर है, मतलब जो नेचुरली शिप्स रखने की जगह है, एंड रिच हिंटरलैंड। सो हिंटरलैंड का मतलब तट होता है भाई, समुद्री तट होता है, उसे हिंटरलैंड कहते हैं। सो इसका तट बहुत है और यहाँ पे शिप्स रखने की जगह भी बहुत ज़्यादा है, नेचुरल हार्बर है। सो इसीलिए इसका जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा है बाजू वाले कंट्रीज के साथ भी, श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह के साथ, ठीक है। सो इट हैज़ अ फ्लरिशिंग ट्रेड हैंडलिंग ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ कार्गोज टू इवन अवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका एंड मालदीव सेक्ट्रा, ठीक है। सो जो ये ट्यूटिकॉरिन है, ये इसका ट्रेडिंग किस किस के साथ है, नेबरिंग कंट्री श्रीलंका मालदीव के साथ। फिर चेन्नई है, चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री, इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई। सो चेन्नई भी बहुत पुराना पोर्ट है, मुंबई के बाद चेन्नई का नाम आता है, ठीक है। मुंबई के बारे में तो आपने पढ़ा ही था, चेन्नई भी है। सो मुंबई के बाद इसी का ही रैंक आता है। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, ठीक है। विशाखापट्टनम सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड पोर्ट है, और ये पोर्ट है वो ओरिजिनली क्यों बनाया गया था, वो ओरिजिनली इसलिए बनाया गया था ताकि जो आयन ओर के एक्सपोर्ट्स इस पे हो सकें। पैराद्वीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा,
स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयन ओर. फिर जो पैराडिप पॉट है जो कि ओडिशा में है वो भी आयन ओर को एक्सपोर्ट करता है. कोलकाता इज एन आइलैंड रिवराइन पोर्ट. कोलकाता भी एक रिवराइन पोर्ट है. सो इनलैंड रिवराइन पोर्ट क्या होता है कि जो कि वो पोर्ट जो कि रिवर से जुड़ा हुआ है, ठीक है. सो इनलैंड रिवराइन पोर्ट, दिस पोर्ट सर्व्स अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. तो हिंटरलैंड का मतलब तो मैंने बता ही दिया था कि भाई जो समुद्री तट होता है उसे को हम हिंटरलैंड कहते हैं. तो दिस पोर्ट सर्व्स अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. बींग अ टाइडल पोर्ट इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट ड्रेजिंग ऑफ हुगली. हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट इन ऑर्डर टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट. सो हल्दिया पोर्ट बनाया गया कोलकाता पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए. हल्दिया पोर्ट बनाया गया कहाँ? कोलकाता के पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया, ठीक है. सो ये सब था हमारे वाटरवेज, ठीक है. सो वाटरवेज में आपने क्या पढ़ा? वाटरवेज में आपने पढ़ा कि टोटल नेशनल वाटरवे पांच नेशनल वाटरवे हैं, ठीक है. फिर हमने मेजर सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ा. मेजर सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ा. ठीक है. तो अब हम चालू करते हैं एयरवेज. तो एयरवेज भी हमारी लाइफलाइन है हमारे ट्रांसपोर्टेशन की. सो ये दे एयर ट्रैवल टुडे इज द फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है. सो एयर ट्रैवल मतलब एयर में ट्रैवल करना आज बहुत फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल है, प्रेस्टिजियस मतलब एक प्रेस्टीज जुड़ जाती है, एक आप में एक शान जुड़ जाती है अगर आप ट्रैवल करते हो एयरवेज में. सो एयरवेज में बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेंस मतलब ऐसे ऐसे हिली माउंटेंस ये सब कवर किए जाते हैं, जैसे हाई माउंटेंस, ड्रेरी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल्सो लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेस विद ग्रेट ईज. बिल्कुल आराम से आप ये सब कवर कर सकते हो. थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मार्क विद द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स, डिसेक्टेड रिलीफ, डेंस फॉरेस्ट एंड फ्रिक्वेंट फ्लड्स एंड इंटरनेशनल फ्रंटियर्स एक्सेट्रा इन द एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. आप एयर ट्रांसपोर्ट इमेजिन करो कि एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो क्या होता. सो क्या आप नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में जा पाते, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट कंट्री पूरा हिली है, फिर इतने बड़े बड़े रिवर्स हैं और इतने घने जंगल हैं. सो उन एरियाज में तो एयरवेज ही चलता है, ठीक है. सो एयर ट्रैवल हैज़ मेड एसेस ईजियर, मतलब अब हम ज़्यादा अच्छे से जगहों तक पहुँच सकते हैं आराम से. द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज इन 1953. सो कब नेशनलाइज किया गया भाई, एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कब घोषित करा गया? 1953 में. ऑन द ऑपरेशनल साइड इंडियन एयरलाइंस एलियंस एयर प्राइवेट स्केड्यूल्ड एयरलाइंस एंड नॉन स्केड्यूल्ड ऑपरेटर्स प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज. सो कौन कौन ऑपरेट करता है इसे एयर को, एयरवेज को कौन कौन ऑपरेट करता है? इंडियन एयरलाइंस, एलियंस एयर, प्राइवेट स्केड्यूल एयरलाइंस एंड नॉन स्केड्यूल ऑपरेटर्स. ये सारे जो हैं डोमेस्टिक एयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. कौन कौन? इंडियन एयरलाइंस, एलियंस एयर, प्राइवेट स्केड्यूल एयरलाइंस, नॉन स्केड्यूल ऑपरेटर्स. एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज. जो हमारी एयर इंडिया है, एयर इंडिया इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती है. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ONGC इन इट्स ऑफ शोर ऑपरेशन टू इनएसेसिबल एरियाज एंड डिफिकल्ट टेरेंस लाइक द नॉर्थ ईस्टर्न. सो जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है वो किसको सर्विस देता है? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड सर्विस देता है ONGC को. ONGC क्या है? बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, ठीक है. सो कहाँ कहाँ पे मतलब ये कहाँ कहाँ पहुँचाता है, ये एयरवे कहाँ कहाँ पहुँचाता है ONGC को, वहाँ का ऑयल कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है? नॉर्थ स्टेट, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. इंडियन एयरलाइन ऑपरेशंस आल्सो एक्सटेंड टू द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड द मिडल ईस्ट. जो इंडियन एयरलाइंस हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ को भी जो है अपना हेल्प देती हैं, एक्सटेंड करती हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट को भी, ठीक है.
सो पर एयर ट्रैवल का डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है कि भाई, एडवांटेज अगर बोलो तो ये एडवांटेज है, ठीक है, ये जो ऊपर की लाइन है, ये एडवांटेज है कि भाई फास्टेस्ट है, कंफर्टेबल है, प्रेस्टीजियस है, डिफिकल्ट टेरेन्स कवर करता है, ठीक है, मतलब और बड़े बड़े रिवर्स और ये सब डेंस फॉरेस्ट, इन सबको चीर के, मतलब चीर के इन द सेंस भाई उन सबको ऊपर से ओढ़ के वो जाता है, ठीक है। सो लाइफ बहुत इजी है उसके साथ, बट इसके डिसएडवांटेज क्या है? एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल, आम आदमी के बस का नहीं है एयर ट्रैवल। एक मतलब हवाई जहाज में ट्रैवल करना एक आम आदमी, इवन एक मिडिल क्लास, भाई जो एक मिडिल क्लास कॉमन सा आदमी है, उसके बस की बात नहीं है। इट इज ऑनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट स्पेशल प्रोविजन्स आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विसेज टू कॉमन पीपल। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो कि एकदम हिली टाइप हैं, बहुत ही तकलीफ वाले स्टेट्स हैं, वहाँ उन्होंने उसके कॉस्ट काफ़ी कम करके रखे हुए हैं ताकि वहाँ के लोगों को ये सर्विस मिल सके, क्योंकि वहाँ ये सर्विस ज़रूरत है। अगर यहाँ हम लोग अगर इसे यूज़ कर रहे हैं तो ये एक प्रेस्टीज है, ठीक है, एक मतलब हम टाइम सेव कर रहे हैं, एक हमारा हमारे प्रेस्टीज बढ़ा रहे हैं अगर हम यूज़ कर रहे हैं। पर यही सर्विस अगर नॉर्थ ईस्ट वाले यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ वो उनकी ज़रूरत है, ठीक है। सो ये एयर ट्रैवल के बारे में बस ये छोटी सी चीज़ थी, इसमें ये जो याद करने वाली चीज़ें इस पैराग्राफ में थी, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस, एलियंस एयर, प्राइवेट स्केड्यूल एयरलाइंस एंड नॉन स्केड्यूल ऑपरेटर्स, ठीक है। सो एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ONGC, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अभी कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशंस। सो जब से हम इंसान धरती पे आए हैं, हमने अलग अलग तरह के जरिए यूज़ किए हैं, करे हैं कम्युनिकेशन करने के, पर बहुत जल्दी जल्दी ये तरीके बदले हैं। अब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर। आजकल आप मतलब कोई बहुत ज़्यादा दूर है तो भी आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म सेक्टर आर मेजर इन द कंट्री। सो पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म आर मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है, पूरी दुनिया में सबसे लार्ज है। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल, ये भी कम्युनिकेशन का जरिया ही हुआ ना। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशंस, कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड आर एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। सो कार्ड्स या एनवेलप्स आते हैं वो फर्स्ट क्लास मेल में गिने जाते हैं, कार्ड्स या एनवेलप्स, और उन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है, मतलब हवाई जहाज के जरिए पहुंचाया जाता है। द सेकेंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, और ये सब सेकेंड क्लास में हैं। दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। सो ये कहाँ से आते हैं? लैंड से, मतलब लैंड का कोई भी साधन या तो वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज, सिक्स मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। ये मेल्स की डिलीवरी बहुत ज़्यादा जरूर, मतलब स्पीडी वे में हो, सो टोटल 6 चैनल्स, 6 मेल चैनल्स इंक्लूड किए गए, 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली। क्यों किया गया है ये सब? इंडियन पोस्टल नेटवर्क को और बढ़ोतरी देने के लिए। सो दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिकल चैनल, ठीक है। कौन कौन से चैनल्स हैं? राजधानी, मेट्रो, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल और बल्क मेल चैनल, पीरियोडिकल चैनल, ठीक है। मार्च 2010 की बात करें, मार्च 2010 तक मोबाइल कनेक्शंस कितने कितने लोगों के पास मोबाइल था? सो इतने लोगों के पास 548.32 मिलियन पीपल के पास मोबाइल था।
या इतने मोबाइल कनेक्शंस थे इंडिया में। सो आज आप सोच सकते हो कितने ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। अगर हम 100 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, सो 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास मेरे ख्याल से पर हिंदुस्तानी 1-1 फोन तो होगा ही। सो आप सोच सकते हो कि कितने, मतलब कितने ज़्यादा कनेक्शंस हैं, और 2010 में सिर्फ इतने ही थे, ठीक है। सो इंडिया हैज़ वन ऑफ द, अच्छा पहले ये 6 जो मेल चैनल्स हैं हैव बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली फिर से। दे आर कॉल्ड राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल, पीरियोडिकल। राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क मेल, पीरियोडिकल। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया। तो इंडिया का सबसे एशिया में लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, मोर देन 2/3 ऑफ विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद एसटीडी। अगर आप अर्बन प्लेसेस, सिटीज़ को ना गिनो, तो 2/3 विलेजेस हैं इंडिया में, 2/3 गांव हैं वहाँ पे एसटीडी लगाई गई है। खैर अभी वो पुरानी बात हो गई, अब फ़ोन आ गया है सबके पास, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्रास रूट टू हायर लेवल, द गवर्नमेंट हैज़ मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी टू एवरी विलेज इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने 24 आवर एसटीडी बूथ गांव में प्रोवाइड किए हैं, ताकि गांव वाले अपने जो दूसरे दूर दराज से रहने वाले रिलेटिव से जुड़ पाए। देयर इज ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ एसटीडी फैसिलिटीज ऑल ओवर इंडिया। सो जो एसटीडी है, एसटीडी क्या है, एसटीडी का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इस फैसिलिटी को पूरी इंडिया में बिल्कुल यूनिफॉर्मली यूज़ किया जाता है। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो कौन सी दो टेक्नोलॉजीज को जोड़ के ये किया गया है, स्पेस टेक्नोलॉजी को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ के एसटीडी पॉसिबल हुई है। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। मास कम्युनिकेशन कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, आई थिंक यू हैव स्टडीड इट इन 7th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड में आप ये पढ़ के आए हो। मास कम्युनिकेशन में क्या क्या है, मास कम्युनिकेशन में आता है रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, फिल्म्स, ठीक है, ये सब आते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है जहाँ मतलब पूरी पब्लिक जुड़ती है एक दूसरे से। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल, लोकल लैंग्वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पीपल स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो ऑल इंडिया रेडियो है, आकाशवाणी जिसको कहते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो कि थ्रू आउट कंट्री वो सुने जाते हैं। दूरदर्शन है हमारे देश का राष्ट्रीय चैनल कहा जाता है, और ये भी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, मतलब ये भी घर घर फैला हुआ है। इवन जो गांव के, जो छोटे छोटे गांव के एकदम इंटीरियर के गांव के हिस्सों में ये ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पहुंचता है, ठीक है। सो अगर भाई वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो महंगे चैनल्स हैं उनको नहीं कर पा रहे हैं एसेस, सो दूरदर्शन तो रहता ही है उनके लिए। इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फॉर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और स्पोर्ट्स सेक्टर फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, ठीक है। सो अलग अलग प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं दूरदर्शन में। सो अभी इंडिया के पीरियोडिकल्स की बात, जो नहीं कहते पत्रिकाएँ टाइप वैसा, सो इंडिया पब्लिशेज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स एनुअली। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी। न्यूज़ पेपर्स आर पब्लिश इन अबाउट 100 languages एंड डायलैक्ट्स। सो न्यूज़पेपर 100 languages में पब्लिश किया जाता है, और डायलैक्ट्स में भी। डायलैक्ट क्या होती है, वो कहते हैं ना बोली, जो लोकल बोली होती है। डिड यू नो दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स प्रोड्यूस इन द कंट्री आर इन हिंदी। जो बहुत बड़ी तादाद में जो न्यूज़पेपर जो लैंग्वेज में बनते हैं हमारे देश में, वो हिंदी में हैं। हिंदी के बाद इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत छपते हैं, और फिर उर्दू लैंग्वेज में भी, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिश इन द कंट्री आर इन हिंदी, फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। इंडिया इज द लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पिक्चरें भी इंडिया में ही बनती हैं। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स, वीडियो शॉर्ट फिल्म्स। द
सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ये एक सेंट्रल बोर्ड, ये क्या करती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। पहले सर्टिफिकेट लेना होता है किसी भी मूवी को सिनेमा हॉल में आने से पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, किससे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से। ये क्या सर्टिफिकेट होता है कि भाई फिल्म देखने लायक है, ठीक है भाई, परिवार इस पिक्चर को बैठ के देख सकता है, वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। कोई भी पिक्चर हो, उसको इंडियन हो तो इंडियन को भी, फॉरेन हो तो फॉरेन पिक्चर को भी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। सो ये सब हुआ हमारे कम्युनिकेशन के बारे में। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेडिंग, सो ट्रेडिंग बिटवीन टू नेशंस, दो नेशंस के बीच में ट्रेडिंग, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल स्टेट्स एंड कंट्रीज रिफर टू एज ट्रेड। इतना तो पता है, चीज़ों का आदान प्रदान लोगों के, राज्यों के या देशों के बीच में होता है, उसे हम कहते हैं ट्रेड। द मार्केट इज द प्लेस वेयर सच एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। दो देशों के बीच में जो ट्रेडिंग होती है, दो नेशंस, दो देशों के बीच में ट्रेड होती है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। इट मे टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट्स। सो ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है, कहीं से भी हो सकती है, सी से हो सकती है, एयर से, लैंड से। वाई लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। सो जो लोकल ट्रेड है भाई, लोकल, जैसे लोकल ट्रेड में क्या क्या कवर होता है? सिटीज, टाउन्स और विलेज। और स्टेट लेवल पे ट्रेडिंग होती है, सो उसमें क्या कवर होता है? दो या उससे ज़्यादा स्टेट्स। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जितना ज़्यादा किसी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वो कंट्री इकोनॉमिक प्रॉस्परस होगी। इसीलिए मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को एक इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर इन द सेंस भाई, उसको भाई किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बताने का एक माध्यम कहा जाता है, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ोतरी है तो वो कंपनी है, वो कंट्री है इकोनॉमिक प्रॉस्परस, ठीक है। सो इट इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री। As the resources are space bound, no country can survive without international trade. आजकल जो resources हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा उनको space चाहिए, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसे फैलाना है, ठीक है। So international trade के बिना तो नहीं चलेगा। मतलब आज आपके पास अगर vehicle है तो petrol आपका किसी देश से आएगा, vehicle है उसका कोई part किसी देश से आएगा। So मतलब आप नहीं सरवाइव कर सकते आज इंटरनेशनल ट्रेड के बिना। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ट्रेड के ही कंपोनेंट्स हैं। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो किसी भी कंट्री का ट्रेडिंग होता है, ठीक है। सो हम जब बैलेंस कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसे हम बैलेंस कहते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट इज़ कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है इंपोर्ट से, मतलब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो कंपेयर टू इम्पोर्ट, तो वो होता है फेवरेबल, वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। मतलब आप बाहर ज़्यादा भेज रहे हो, अपना सामान बना के बाहर दूसरे देशों को ज़्यादा भेज रहे हो, खरीद कम रहे हो, सो ये क्या हुआ? एक बैलेंस्ड, ये फेवरेबल ट्रेड हुआ। फेवरेबल बैलेंस, बैलेंस ट्रेड मतलब, फेवरेबल बैलेंस मतलब ये आपके फ़ायदे में हुई है ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग फ़ायदे की ट्रेडिंग। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, इट इज टर्म्ड एज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जब आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू कम होती है इम्पोर्ट से, सो वो होता है नुकसान, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्ड कब यूज़ करते हो? जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का डिफरेंस फाइंड करते हो। जब एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है इम्पोर्ट से, हम कहते हैं फेवरेबल बैलेंस, और जब इम्पोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एक्सपोर्ट से, हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, ठीक है।
सो हेयर ओनली आई एम एंडिंग टूडेज लेक्चर. मैंने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस की, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी थिंग वेरी प्रॉपरली. पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सो जस्ट राइट देम, भाई कितने वाटरवेज हैं, एवरी थिंग यू हैव टू राइट. जो भी टिक हुआ है जस्ट राइट ईच एंड एवरी थिंग प्रॉपरली. एंड आई विल सजेस्ट प्लीज़ रीड दीज पेजेस. ठीक है, आज हमने कहाँ से चालू किया, स्टार्टेड विद द पाइपलाइंस टॉपिक. लेक्चर 213 स्टार्टेड फ्रॉम हेयर. सो पाइपलाइन टॉपिक हमने कवर किया, फिर हमने वाटरवेज टॉपिक भी कवर किया, फिर हमने मेजर सी पोर्ट्स टॉपिक भी कवर किया. इसके बाद हमने कवर किया एयरवेज का टॉपिक, देन हमने कम्युनिकेशन का टॉपिक भी देखा, एंड इसके बाद हमने देखा इंटरनेशनल ट्रेड. सो इंटरनेशनल ट्रेड पे आज हम यहीं एंड करते हैं कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होती है. जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, मेक प्रॉपर नोट्स, रीड द चैप्टर टिल पेज 91 एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग आफ्टर राइटिंग इट प्रॉपरली. डू राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, मेक प्रॉपर पॉइंट्स एंड व्हाट्सएप मी. थैंक यू.